थी जबर न थी। Good job, boy. That is beautifully done off the backboard. Just a half push, magnificent. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, इस वक्त एक मैच जारी है ढाका में, पाकिस्तान और इंडिया का, बड़ा क्रिटिकल मैच है। क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान बदला चुकाएगा या मजीद कर्जा जो है बढ़ेगा? हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत की। कल भी पाकिस्तान की सियासत में हम देखेंगे एक नया मैच, एक फाइनल राउंड जो है खेलने जा रहा है। और बात हो रही है पाकिस्तानी सियासत की कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो उन्होंने सुइस हुकाम को खत लिखना है, कल वो अपना क्या जवाब दाखिल करेंगे। मामला फाइनल राउंड में दाखिल हो गया। सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से क्या कहते हैं। आज दिन स्विस बैंक को खत लिख दे हो या नहीं लिख दे, बाबा मैं प्राइम मिनिस्टर हाँ, मैं पीएन कोई नहीं। अगर मैं खत लिखता हूँ तो मैं बगावत करता हूँ, सजाए मौत है। अगर मैं नहीं लिखता, कंटेम्प्ट की सजा 6 महीने। अब आप बताएं, लिखूं या ना लिखूं? नहीं चाहते तो चले फिर हम उनको आपका पैगाम देंगे। तो हुण ये दसो, अपना वजीर आजम अपने सदर के खिलाफ उनकी कमर च छुरा घोंपे? जी नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ना चपरासी हूँ, ना पीठ में छुरा घोंपूंगा, और अगर सदर के खिलाफ खत लिखता हूँ तो उसकी सजा आर्टिकल 6 है, यानी कि सजाए मौत, और इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और पार्टी की पीठ में छुरा भी नहीं घोंपेंगे। यही गिलानी साहब हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, और 4 साल के दौरान वो कहते हैं कि आग के दरिया अबूर करके वो इस मकाम पर पहुंचे, जमहूरियत को उन्होंने इस नहज पर पहुंचाया, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त सरकार है और वो जो कुछ भी कह सकते हैं शायद उनकी नजर में बहुत कुछ ठीक होगा। लेकिन इसका कंपैरिजन कुछ अरसा पहले अगर हम कर दें, कोर्ट ने आर्टिकल 6 के बारे में जो कि परवेज मुशर्रफ से मुतालिक था कि पार्लियामेंट इस हवाले से फैसला करे, तो उसी पे भी गिलानी साहब दुहाई देते के थे कि ये मामला डूएबल नहीं है, कि वो इस सिलसिले में क्या करें। अब हम कौन से प्राइम मिनिस्टर की जुबान को माने, पुराने वजीर आजम गिलानी साहब या जो आज के गिलानी साहब बात करते हैं कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान लेते हैं तो शायद दूसरी जानिब उनको आर्टिकल 6 में भुगतना पड़ेगा। क्या वो आइन को मानेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? लेकिन दूसरी जानिब अगर हम जिक्र करते हैं एतजाज एहसन साहब जो कि गिलानी साहब के वकील हैं, और एतजाज एहसन साहब को लगता है कि उनका दिफा करना गिलानी साहब का खासा मुश्किल काम होगा, क्योंकि गिलानी साहब अगर उनकी हुक्मदुली होती है, कोई उनके हुक्म को नहीं मानता, सेक्रेटरी दिफा हो या कोई दीगर हुकाम हो, उनको बरतरफ कर देते हैं, और लेकिन जब उनको कोई हुक्म दिया जाता है तो वो उसका लगता कुछ ऐसे है कि तमस्खर में ये बात उड़ा देते हैं। क्या अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही होगा कि हर एक कानून और आइन को अपनी मर्जी और जाब्ते के मुताबिक चलाने की कोशिश करेगा, जिस पर यही मिसाल सादिक आती है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस? और इस सिलसिले में हम तो यही कहेंगे कि सबको ये 5 साल जमहूरियत मुबारक हो। कल के तनाजुर में हम जो बात कर रहे हैं, सुइस हुकाम को मामला जो है तोहीन अदालत का सुप्रीम कोर्ट में है गिलानी साहब के हवाले से, तो इसमें कौन शहीद होता है, किसको शहीद होने की तमन्ना है? लेकिन एक चीज जो बार बार रुक रुक कर सामने आती है, उसमें मजाक उड़ाया जा रहा है, वो इदारों का तो शायद हो लेकिन आइन कानून और जमहूरियत का मजाक इसमें जरूर उड़ाया जा रहा है। और क्या अब आने वाले कल में या आने वाले चंद दिनों में मामला फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है, इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मामला खत लिखने के हवाले से है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो खत नहीं लिखेंगे, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी होगी, और सदर के इस्तिस्ना का मामला पार्लियामेंट अगर उनको इम्यूनिटी देती है तो फिर कोर्ट अगर उनको कोई ऑर्डर करती है तो उसकी शायद कोई हैसियत नहीं रहती। इसी पर हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे अतर मिनल्ला साहब, सीनियर कानूनदान हैं। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे ज़ईम कादरी साहब, रुकन पंजाब असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, और शौकत बसरा साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे, रुकन पंजाबी असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन साहब का ताल्लुक है। अतर मिनल्ला साहब, सबसे पहले बताएं प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, आइन को मानेंगे, कह रहे हैं आइन को मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान सकते क्योंकि आइन कहता है सदर को इम्यूनिटी हासिल है, खत नहीं लिखेंगे वाज़ह तौर पर अब उन्होंने कह दिया, तो फिर अब आप क्या देख रहे हैं? क्या मैच फाइनल राउंड में इस वक्त दाखिल हो चुका है? देखिए जी आसमा, मैं तो बड़े अफसोस से कह सकता हूँ क्योंकि ये एक मुंतखब वजीर आजम है और पार्लियामान ने उनको किसी जमात के वजीर आजम नहीं है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, और वो कहना ये चाहते हैं अगर वो आइन की बात करते हैं तो आइन में अदलिया को आइन ने कुली इख्तियार दिया है आइन की तशरी करने का भी,
आर्टिकल 248 का तशरीह करने का भी और अपने फैसलों पे भी तशरीह करने का कुल्ली इख्तियार आईन ने अदलिया को दिया है। ये इख्तियार न पार्लियामान के पास है, न वजीर आजम के पास है, न किसी और के पास है। और इसी तरह आर्टिकल 190 हो या आर्टिकल 189 हो आईन का, उसमें तमाम अदालतें और तमाम बिलखसूस जो इंतज़ामिया है जिसके सरबराह हैं वजीर आजम, उनको जो भी तशरीह और जो भी फैसला अदालत कर दे उस पे अमल करना उनके ऊपर न सिर्फ लाजिम है, उनका फ़र्ज भी है। और अगर उनकी बात मान ली जाए तो फिर तो ये इंतशार की बात है। और इंतशार का आप जिक्र करें आतर मीनाला साहब, मैं जरा ये ऐड कर दूं कि बाबर अवान साहब ने एक शेर पढ़ा था और कंटेम्प्ट हो गया उनको, तोहीने अदालत लग गई, तो इसमें तो वो खुल्लम खुल्ला आप अपना जवाब पब्लिक मीटिंग्स में दे रहे हैं, जलसों में खिताब करते हुए वो ये कह रहे हैं, पब्लिक से पूछ रहे हैं, आप अगर कहते हैं तो खत लिखूं तो लोग कह रहे हैं नहीं लिखें, तो कहते हैं ठीक है हम आपका जवाब आगे पहुँचा देंगे, तो ये फिर क्या है? फिर ये तो खुल्लम खुल्ला कंटेम्प्ट अब तो लग गई, अब तो हो गया शायद डिसीजन, इसका मतलब है? देखिए जी, कंटेम्प्ट से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जब वो आइन को ही नहीं मान रहे और आइन में जो अदलिया का एक रोल है और जो सब पे फ़र्ज है, अगर उसी को नहीं मान रहे तो फिर तो वो आर्टिकल 6 का खुद एतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन एक मुंतखब वज़ीर आज़म और वो भी उस जमात का जिस जमात के बानी ने ये मुतफ़िका आइन जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान को दिया था, और इसी इंतशार की वजह से और इसी आइन की बेहरमती की वजह से हम एक दफ़ा पाकिस्तान भी तोड़ चुके हैं, और अभी भी उनको ये एहसास नहीं कि न तो वो किसी जमात से उनका ताल्लुक है इस वक्त, न वो किसी शख्स से वफादार हैं। उन्होंने जो आईन में अपना हल्फ लिया है वो इस मुल्क के वजीर आजम मुंतखिब हैं, और उन पे हल्फ जो है उनको आईन की पासदारी और उसकी सिखाता है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, अपना सदर, अपना वजीर आजम अपने सदर के खिलाफ कैसे खत लिखते हैं? मैं शौकत बसरा साहब से यही सवाल पूछूंगी। बसरा साहब, आपने हमारे मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में पहले ये कहा कि जी अगर वो उनका हुक्म नहीं मानते तो क्योंकि दूसरी जानब आर्टिकल 6 है सदर साहब के खिलाफ, तो वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो वफादारी किसके साथ, वो सदर साहब के साथ निभा रहे हैं, आइन के साथ निभा रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का तमस्खर उड़ा रहे हैं इस वक्त? असमा, मेरे ख्याल में हम सब एक आइन के पाबंद हैं। अतर मिनल्ला साहब का मुझे बहुत एहतराम है और बहुत बेहतर कानूनदान है, लेकिन मुझे यहाँ अफसोस से कहना पड़ेगा कि वो शायद आज भी अपने आप को चीफ जस्टिस के स्पोक्समैन समझ रहे हैं। खुदारा आइन को आइन का मजाक मत बनाएं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आइन की तशरीह का हक उनको जरूर है, कानून बनाने का अख्तियार चीफ जस्टिस फखर चौधरी साहब को नहीं है। लेकिन अदलिया के फैसलों पे अगर अमल दरामद नहीं होता तो वो किस जुमरे में आता है? मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि आपको पूरी सोसाइटी ने आपको बहाल करवाया है और अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज्जत बख्शी है। खुदारा ऐसा फैसला मत कीजिए और ऐसा फैसला मत करने जाइए जिससे कल आपको ये एहसास हो, क्योंकि ये कुर्सी आसमां बीबी आरजी है, ये कुर्सियां आती जाती रहती हैं। कल आज देख लीजिए, ये नसीम हसन शाह को सुन लीजिए, आज आप सज्जाद अली शाह साहब को सुन लीजिए, असलम बेग को सुन लीजिए, नहीं इसका मतलब नहीं को सुन लीजिए। कल ऐसा ना हो कि चीफ जस्टिस साहब को भी ये एहसास हो कि जब वो कुर्सी पे बैठे थे तो ऐसा हो गया है जो आइन से मारवा है। मैं गुजारिश सिर्फ ये आसमां बीबी करना चाहता हूँ कि आइन जो कहता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो बात कही है वो आर्टिकल 248 की दो चीजें मैं कह देता हूँ, प्राइम चीफ जस्टिस साहब को अर्ज कर देता हूँ, वो एक काम करें, अगर उन्हें खत जरूर लिखवाना है तो कल जब इसकी वहां पर पिटीशन की तारीख होगी वो पार्लियामेंट को रेफर कर दें, नंबर वन। अच्छा, अगर ये नहीं कर सकते तो वो ये कर दें कि आपने रजिस्ट्रार को हुक्म दे दें, अगर लेटर लिखवाना ही जरूरी है तो रजिस्ट्रार लिख दे, एक मुंतखब रजिस्ट्रार तो नहीं ना, रजिस्ट्रार चीफ एग्जीक्यूटिव, जब देखें अगले मुल्क का कानून भी है ना, अगर उस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव खत लिखते हैं तो केसेस रीओपन हो जाते हैं। स्विस हुकाम कहते हैं उनका लॉ भी यही इसी पे चलता है कि जिस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव लिखेगा, जो मुल्क कहेगा तो वो ओपन करेंगे। रजिस्ट्रार की क्या वक्त है कि जी वो खत लिख दें और अपनी कैपेसिटी में, हुक्म तो चीफ एग्जीक्यूटिव को दिया जा रहा है सिलसिले में। मैं ज़ईम कादरी साहब से पूछ लूँ, ज़ईम कादरी साहब, अभी मैं सिर्फ अपने
ज़ईम कादरी साहब जरा ये बता दें, आप सारी सब सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं खत नहीं लिखेंगे, मामला पार्लियामेंट में ले जाएं, अदलिया के फैसले हैं उनको पार्लियामेंट में ले जाएं, पार्लियामेंट बैठ के डिसाइड करें खत लिखना है नहीं लिखना, तो क्या इंतशार अनारकी देख रहे हैं इसमें आप? क्या यकीनन बीबी, देखें आपने जिस मैच का जिक्र किया मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो चुका है, अब वज़ीर आज़म साहब भी ये समझ चुके हैं कि अब उनकी इनिंग्स कंप्लीट हो चुकी है और शायद पीपल्स पार्टी के दोस्त भी अब नया वज़ीर आज़म ढूंढ चुके हैं। और सिर्फ ये है कि मेरी सिर्फ ये थोड़ी सी अर्ज़ है कि देखें ख़त लिखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि उस केस की प्रोसीडिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम साहब के ख़त लिखने से बंद की गई थी, इसीलिए ये ज़रूरी समझा जा रहा है कि ख़त लिख के उसको गवर्नमेंट ही खुलवाए, उनका कानून है। दूसरी बात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब ओथ ली थी तो वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से एलिजेंस की और उसके उससे वफादारी की ओथ ली थी। अगर उनको इतनी मोहब्बत थी तो वो आसिफ अली जरदारी साहब का नाम उस ओथ में डलवा देते। तीसरी बात, मैं लीगल इम्प्लिकेशन आर्टिकल 248(1), 2, 3 वो अतर भाई बैठे हुए हैं, वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर माशाल्लाह, वो उसकी इंटरप्रिटेशन पे बात करेंगे। मैं भी एक छोटा सा वकील हूँ, कानून बहरहाल पास किया रखा है। अर्ज सिर्फ ये है कि उसकी इम्प्लिकेशन क्या है, उसकी बड़ी वाज़े इम्प्लिकेशन है कि वो ख़त बहरहाल लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो केसेस जो आपने ही खत लिख के बंद करवाए थे इसकी एक लिखना पड़ेगा, लेकिन वो कह रहे हैं वो नहीं लिखेंगे, वज़ीर आज़म भी बदल दें, जो नया आएगा उसको भी प्रॉब्लम होगी, वो 6 महीने जाने पे तैयार है। हाँ, ठीक है, तो फिर मामला तो खुला सामने, तो ये फाइनल राउंड तो ना सिर्फ सबवर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन से, बल्कि ये वो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने अडॉप्ट किया था, और वो भी आइन के बारे में इस तरह की ही राय रखते थे। हमने चीजों को अब इम्प्रूव करना है। और नंबर 3, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि दुनिया में कभी कोई हाई मॉरल ग्राउंड भी ले, ताकि कोई लोग ये कहें कि वाकई इस मुल्क के पॉलिटिशन जो हैं वो हाई मॉरल ग्राउंड्स को फेस करते हैं। आज क्यों मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की कब्र के पीछे छुप कर उसको कब्र का ट्रायल कहा जा रहा है? अर्ज सिर्फ ये है कि ये ट्रायल जो है वो जब तक हमने तो नहीं करना, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने करना है, वो तो एक बार की अदालत ने करना है, और चीजें बड़ी वाजे हैं, वो कह चुके हैं। तो इसमें तो मेरा ख्याल में अब आपने यूर मेकिंग मॉकरी ऑफ द होल इशू एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, लेट मी टेल यू। तो बसरा सब फिर क्या करेंगे? वज़ीर आज़म ने वाज़िया कह दिया वो नहीं लिखेंगे, नया वज़ीर आज़म भी आप लाने पे तैयार हैं, खुर्शीद साज साहब का नाम आ रहा है, बड़ा प्रोटोकॉल भी उनको दिया जा रहा है, वज़ीर आज़म कहा जा रहा है सिंध से भी आएगा, 6 महीने पे जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन आर्टिकल 6 वो कहते हैं कि नहीं वो कर सकते, अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं अगर वो इस फैसले को भी नहीं मानते तो वो भी फिर उस बगावत में ही आता है, तो फिर क्या इंतशार की जानिब आप लोग खुद ले जाना चाह रहे हैं इस वक्त? आसमा, हमें ना तो कोई जेलों से डरा होता होगा जद्दे के हाजियों को, जिनको मच्छर नहीं टिकने देता, हम तो शहादतों वाले और फांसियों वाले हैं। मुझे ज़ईम कादरी साहब ये मुस्लिम लीग नून कानून की बालादस्ती की बात करती है, भाई ये लोग तो वो हैं जिन लोगों ने एक डेट ना मिलने पर चढ़ाई कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हमारी बात नहीं हम अपनी बात करें, ये तो अपने पास रखे ये नसीहतें हैं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चीफ जस्टिस साहब की ऐसी एडवाइस के पाबंद नहीं है जो आयन से। अच्छा, मैं बिल्कुल मैं कानूनी राय ले लूं, कानूनी राय ले लूं, अतर बिनल्ला साहब की आपने ये कहा, आपने एडवाइस का जिक्र किया, एडवाइस के पाबंद नहीं है चीफ जस्टिस की, अगर एडवाइस मेरे ख्याल से अदालतों के फैसले बोलते हैं वो एडवाइस नहीं किया करते, अतर बिनल्ला साहब कानूनी हैसियत बता दें इसकी क्या है? ये जो पॉइंट पहली बात सिर्फ और सिर्फ देखिए, हम लोगों ने जब इनको बहाल किया था हुए थे जजेस, आज ये परसेप्शन है पूरे मुल्क के अंदर, ये जो रिलीफ बरादरान हैं क्या इन्हीं को रिलीफ मिलना है? हमने तो कौन जी अतर बिनल्ला साहब एडवाइस का जरा जवाब देंगे। पहली बात तो मुझे अफसोस ये है, दुख हुआ कि बसरा साहब एक सियासी कारकुन है, लेकिन इस तरह की जाति वो करना इनको खुद बखूबी इल्म है कि मेरा चीफ जस्टिस साहब जब से बहाल हुए उनसे किसी किस्म का ना कोई ताल्लुक रहा है, ना मैं उनकी अदालत में पेश होता हूं। आप ही की प्रोग्रामों में 18वीं तरमीम जब चैलेंज हुई थी, मेरे ख्याल में मैं उनमें से था जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये ख्याल मेरा पुख्ता यकीन था के पार्लियामान मैं बसरा साहब की तरह एक सियासी कारकुन नहीं हूँ कि मेरी जरा मैं बसरा साहब के साथ की तरह एक सियासी कारकुन नहीं हूँ
कि उनका वजीर आजम एक गलत बात भी कहे तो तब भी उसकी वो दिफा करें। अगर अदलिया से कोई गलती होती हम निशानदेही भी करते हैं और पब्लिकली करते हैं, इससे घबराते नहीं। लेकिन मैं इनको एक चीज कहना चाहता हूं कि ये आईन की बात करते हैं, आईन में और पहले बात यह कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ये केस सुन भी नहीं रहे। सात मोतबिर जज साहिबान जो हैं वो ये केस सुन रहे हैं। अगर इनको सात के साथ जज साहिबान पे एतबार नहीं, अगर इनको पूरी सुप्रीम कोर्ट पे एतबार नहीं और इसमें चीफ जस्टिस साहब खुद हैं भी नहीं, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करना, ये इस मुल्क को 65 सालों से आईन की बेहुर्मती करते करते ये नुकसान पहुंचा है। और अब सिर्फ इसलिए कि एक शख्स, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि आप खत लिखें कि केसेस खुल जाएं, उन्होंने कहा है अपने फैसले में, और फिर ये जाके उन वकीलों से पूछें जिन वकीलों ने ये केस किया और फिर नजरसानी की पूरी कार्रवाई भी की, उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। वो बदस्तूर कहते रहे कि ये एक गलत कानून है, इन्होंने कभी नजरसानी में भी एक लफ्ज नहीं कहा लेकिन कि ये खत जो है लिखने से नुकसान हो जाएगा। अदालत ने ये भी कहा कि आपने हमारा टाइम इतना वेस्ट किया, आपने जवाब भी। अगर इस मंतक को मान लिया जाए तो फिर तो जिस गरीब ने, जिसके ऊपर इल्जाम कत्ल का है, वो कहेगा कि जी मैंने कत्ल नहीं किया, मुझे पता है और मुझे अदालत में जाने की जरूरत नहीं। ये मुझे खुद बता दें कि आर्टिकल 248 में अगर किसी को इबहामों के आया सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उसके जुमरे में आता है या नहीं आता है, उसका फैसला क्या हम प्रोग्रामों पे करेंगे? आईन कहता है कि उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट करेगी, अदालत ही करेगी। बिल्कुल, बड़ा अहम पॉइंट सर आपने उठाया, मुझे ब्रेक लेनी है। और बड़ा अहम पॉइंट अतरमिन अल्लाह साहब ने कहा है कि हर चीज का फैसला अदालत ने करना है और आईन को वाजह तौर पे और अदालती फैसलों के अगर एहतराम नहीं किया जाता तो फिर माशरे में क्या होगा कि हर एक को फिर यही हक हासिल होगा कि अपनी मर्जी के फैसलों पर अमल दरामद कराया जाए। इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। गिलानी साहब कहते हैं कि खत नहीं लिखेंगे आर्टिकल 6 लगेगा, फांसी उसकी सजा है और अपने सदर के खिलाफ वो खत नहीं लिख सकते। आर्टिकल 248 इम्यूनिटी हासिल है सदर साहब को, और इम्यूनिटी अगर क्लेम क्यों नहीं करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और खत तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिखना है और हुकूमत इनकारी है कि नहीं लिखना। अज़ीम कादरी साहब, फिर आप जैसे पहले भी हमने यही सवाल उठाया था, सिचुएशन इंतशार की जानिब ही जाएगी क्योंकि अदलिया के फैसलों पर जब अमल दरामद नहीं होगा तो फिर बहरहाल सजा का कानून तो मौजूद है, जब सजा होगी तो फिर क्या होगा? अगर हुकूमत अमल दरामद नहीं करती तो पहले आप कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना हुआ तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्यों आप बात करेंगे भाई, सवाल पूछा क्या उन्होंने? आप अजीब बात कर रहे हैं, सब उनको जरा जवाब देने दें, बस आप मुझे जवाब दे दें फिर आप बिल्कुल जरूर बोलिएगा। बात क्या, वक्त पे बात कर रहे हैं जी ज़ईम कादरी साहब, पूछा कर रही है वो बीबी। यार सिर्फ ये है जी ज़ईम कादरी साहब, इसकी कुछ पॉलिटिकल इंप्लिकेशंस हैं जिनकी तरफ इशारा अतुल मिनल्ला साहब ने किया है। आज शहबाज शरीफ साहब ने हाथ जोड़ के वजीर आजम साहब से ये गुजारिश की है कि अगर आप कानून शिकनी करेंगे, कानून को फ्लाउट करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, तो ये फिर सराइयत करेगी चीज़ ग्रास रूट लेवल तक। इस मुल्क के तमाम डाकू, चोर, डकैत और तमाम वो मुलजमान जो इस मुल्क में अनरेस्ट पैदा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करते हैं, वो राइट पे हो जाएंगे कि अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म कानून की पासदारी नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। और वो क्योस खुदा ना खास्ता जो इनकलाब तो मैं नहीं कहूँगा, जो माशरों को तबाह बर्बाद कर दिया करता है, लोग उसकी तरफ चल पड़ेंगे। वजीर आजम जो है वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट पोडियम है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, वो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। अगर वो कानून की पासदारी दे दिया, वो जवाब दे दिया वो नहीं लिखेंगे, उन्होंने कहा वो नहीं लिखेंगे। ये कैटेगोरिकली कह दिया कि मैं कानून की पर अमल दरामद नहीं करूंगा तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं उनके बारे में क्या कहूं या कोई और क्या कहे। और अगर वही नहीं कह रहे हैं कि कानून पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए तो फिर अल्लाह माफ़ करे, ये तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं क्या उनको कहूं कि वो क्या करना चाह रहे हैं इस मुल्क में, वो किस किस्म के क्योस की तरफ चीज़ों को ले जाना चाह रहे हैं। मेरे पास, मैं उनको बुरा भला कह के अपना
कौम का और आपका वक्त जाया नहीं करना चाह रहा, लोगों को पता कि वो क्या कर रहे हैं, एंड ही शुड बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल, ही शुड बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल। आप बिल्कुल कह रहे हैं, उनको सजा देनी चाहिए। ये हम अगर ये शौकत बसरा साहब, अगर आप ये सारी गुफ्तगू सुन भी रहे हैं तो ये आर्टिकल 248 का आपने हवाला दिया, इम्यूनिटी हासिल है, फिर अदालती फैसलों पर अमल दरामद चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा, तो आम लोग भी फिर खड़े होकर कहेंगे कि जी हमें इस कानून का पता है, हमें इस आइन का पता है, ये सजा हम पर लागू नहीं होती, तो फिर क्या हम मुआशरे में क्या एक बताने जा रहे हैं, लोगों को हम सबक क्या देने जा रहे हैं इस वक्त? अस्मा, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले अभी ज़ैन कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप लोग खुदारा, मुझे तो आपकी बातों पे हंसी आती है, आप कौम के साथ मजाक मत किया करें, आप नॉन सीरियस लोग हैं, मुझे अजीबोगरीब इनकी मंतकें हैं। अभी मुझे तो यूं लगता है जैसे के लिए ये मियां बरादरन तारा मसीह का किरदार अदा कर रहे हैं, और असल में इनका चेहरा कौम के सामने, ये हमने तो नहीं लेके आए, ये अदलिया के सामने केस भाई हमें गाली बाद में देना है, उनके सवाल का जवाब दें। तारा आपकी जस्टिस ऑफ स्पोक्समैन ना बने, मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक बात कही आसमा, उन्होंने कहा है कि आपने मुझे 248 की बात करते हैं, 248 की इम्यूनिटी दी है पार्लियामेंट ने, अगर आप ये कहते हैं ये गलत है तो आप पार्लियामेंट को कंटेम्प्ट लगानी है तो पूरी पार्लियामेंट पे लगाएं, आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव को वो काम करवाना, तो आप कह रहे हैं कि अदलिया को नहीं पता, आप कह रहे हैं अदलिया को नहीं पता कि 248 की क्या हैसियत है, अदलिया को नहीं पता, अदलिया ने ऐसे ही उनको कह दिया कि आप सदर के खिलाफ खत लिखे, कह रहे हैं ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जो आईन इजाजत नहीं देता, हमारे तो चीफ जस्टिस साहब खुद ये फरमा चुके हैं आसमा कि मैं आईन की सुप्रीमेसी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई इदारा दूसरे इदारे के काम में मुदाखलत ना करे। अब मुझे बताइए कि अगर पार्लियामेंट ये कहे कि हमने वो तमाम केसेस समाप्त कर रहे हैं जो अदलिया के पास पड़े हैं तो क्या ये मुमकिन है? पार्लियामेंट तो कह नहीं सकता ना, आपके यहां कानून के पास बैठे, मैं दो सवाल करना चाहता हूँ, अगर मिनाला साहब ये बता दीजिए क्या 248 के ताबे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंप्यूटर कैंसिल है, नंबर वन। नंबर टू, क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रेजिडेंट को इम्यूनिटी हासिल नहीं आ रहा? जवाब देने की इसमें इतना वाजे कर दूं कि यकीनन आर्टिकल 248 में फौजदारी मामलात में सदर को एक इस्तेस्ना जरूर है, लेकिन खत लिखना क्या है? खत ये लिखना है कि जो मलिक मोहम्मद कयूम ने खत लिखा था उनके पास इख्तियार नहीं था, उसमें आर्टिकल 258 तो कहीं आता ही नहीं है, ना तो ये फौजदारी मामला है खत लिखना। अब इसका फैसला कौन करेगा कि ये 248 में आता है या नहीं आता है? यकीनन ना अगलिया कर देगा 248 के तबे में नहीं है। मैं अर्ज करूं, 248 का जब अदलिया ये 7 मेंबर बेंच सुनना कहना चाहती है, उनको फिर इनके वकील कहते कि नहीं हम 248 पे बहस नहीं करते, बहस नहीं करेंगे, और बाहर जो है इसलिए नहीं करेंगे कि लिखा हुआ है इनके अंदर, हम उसको तब मांगे अगर नहीं, आप इम्यूनिटी मांगना भी नहीं चाहते, बहस भी नहीं करवाना चाहते, चाहते आईन में लिखा हुआ है, आईन में लिखा हुआ है कि कोई करप्शन नहीं करेगा, और करप्शन जो है सजा है, लेकिन खुलेआम करप्शन होती है, आईन में लिखा हुआ है कि हर एक के हकूक होंगे, हकूक सबके पामाल होते हैं। मैं देखें, मैं देखें, उनको जवाब दे रहे थे बस साहब, अगर बहस करनी है तो जो बहस करनी है इनको 2009 से लेके और 2012 तक जब तक नजरसानी की दरखास्त डिसमिस नहीं हुई थी, या तो ये जाके पहले अपने वकीलों को जाके कोई सजा दें कि जी आपने पूरा केस गलत चलाया था, अदालत का टाइम जाया था, आपने अदालत का भी एनआरओ है जिसके ताबे आज ये जजेस बहाल बैठे हैं। मैं जरा एक बार बार देखें, मैं बसरा साहब को एक चीज कह दूं, अगर आज ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर रही है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कर रही है, इसमें सबसे बड़ा करदार इसी अदलिया का और इसी चीफ जस्टिस का है जिन्होंने वर्दी में बैठे लोगों को ये कहा कि आईन पे अमल करना करवाना ये हमारा काम है, हम किसी को गैर आईनी काम नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को 10। अच्छा एक और बात सुनिए आसमा बीबी, ये वही केसेस है मलिक कयूम का नाम लिया गया जिनको मियां शहबाज शरीफ साहब ने फोन करके, तो अटॉर्नी जनरल तो आपके थे वो, अटॉर्नी जनरल तो आपके थे वो यार, ये क्या मस्खरापन हो रहा है? लेकिन ये डूएबल की बात ज़ैन कादरी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुशर्रफ के बारे में की आर्टिकल 6 नहीं लग सकता, ये जी डूएबल नहीं है, और अब ये कहा जा रहा है कि जी अदलिया जो हुक्म देती है उस पर कहा जाता है कि जी मैं तो अमल दरामद नहीं करूंगा क्योंकि आर्टिकल 6 लग सकता है, सदर साहब को इम्यूनिटी हासिल है, तो ये सजा दोनों राय में। मैं कहने पर मजबूर हूँ कि ये मस्खरापन हो रहा है,
बात यह कि इनको भी हर चीज मालूम है, ये गुफ्तगू को सिर्फ डेविएट करके जी, कादरी साहब जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ बीबी के ये मस्खरापन हो रहा है, वजीर आजम ने भी मस्खरापन किया। ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम है। अज़ीम कादरी साहब यही सवाल दोबारा दोहराएंगे, यहाँ मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। गिलानी साहब कहते हैं कि तोहीन अगर लगानी है तो फिर पार्लियामेंट पे लगाएं कि इसी पार्लियामेंट ने आइन जो बनाया उसमें 248 के तहत सदर को इम्यूनिटी हासिल है। ज़ईम कादरी साहब इसी फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर जो पहले ब्रेक से पहले मैंने सवाल दोहराया था, गिलानी साहब परवेज मुशरफ के बारे में कहते हैं आर्टिकल 6 पे ये डूएबल नहीं है, और इस बार सुप्रीम कोर्ट उन्हें अगर फैसले पर अमल दरामद का कहती है तो वो कहते हैं फिर उन पर अमल दरामद की सूरत में उन पर आर्टिकल 6 लग सकता है। बीबी ये जो आज बातें कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी वाले, ये मस्खरापन जो हो रहा है और ये फ्लाउट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और जुडिशरी को, और कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को रेफर कर दिया जाए। अर्ज ये है कि पार्लियामेंट को एनआरओ एनआरओ ये बदतमीजी मत करें। बसरा साहब आप बात सुने, आप उनको जवाब देने बात कर रहे थे ना, आपकी बात में नहीं बोला, आप गुफ्तगू आपकी ऐसी तैसी आप नहीं बोलने देंगे, आप कहाँ से आए नहीं बोलने देंगे, आप हैं कौन, आप हैं कौन, आप नहीं बोलने देंगे, आप हैं कौन, आसमा बीबी इनको चुप कराए नहीं तो आपका प्रोग्राम खराब होगा। लेकिन बदतमीजी करते हैं तो बहुत करने की तमीज नहीं है। बसरा साहब मामला सुप्रीम कोर्ट पे ना खत लिखने का, इनको घसीटना या घसीटने का क्या क्यूरियोसिटी करते हैं, जो चौहला को बुला लेती हैं आप, जोहला को बुला लेती हैं आप, वो फ्लाउट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, मजाक उड़ा रहे हैं उसका। आप लोगों ने आपकी लीडरशिप पर आपने मजाक बना रखे, मुझे जवाब लेने दें बसरा साहब, कादरी साहब से जवाब लेने दें जरा कि डूएबल है या नहीं, ये कौन सा मामला जो है सब डूएबल है। बीबी एक तो मेहरबानी फरमाएं, मैं इनकी बात में नहीं बोला, तमीज के दायरे में रहें, बात सुने, मैंने अपनी बात नहीं की, मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात की है जिसको ये फ्लाउट कर रहे हैं। और सिर्फ आप उनको जवाब देने दें ना, फिर आपसे मैं बात करूंगी बिल्कुल, फिर जो आपकी रिजर्वेशन आप जवाब देने, उनका जवाब सुन लें जरा। वो कादरी साहब वो यही चाह रहे हैं कि कौम जो है वो किसी की बात सुन ना पाए और लोग इसी तंजो मजा में ये वक्त गुजार दें। अब इस तरह नहीं होगा, और सिर्फ ये है कि जब आप कमिट करते हैं अपने आप को किसी इशू पे, इनको मालूम है, इन्होंने जो बाबर अवान साहब को दिया केस तो वहाँ पे जो मस्खरापन हुआ और उसके बाद फिर एक संजीदा आदमी को दिया तो केस की अहमियत तब्दील की। एतजाज अहसन साहब ने बहरहाल गो के उन्होंने अपनी तमाम पुरानी बातों को पे यूटर्न लिया, लेकिन उन्होंने संजीदगी से केस को उन्होंने टेकअप किया। ये केस संजीदगी से इनको पहले दिन सेल में कि ये इन्होंने यही केस बंद करवाया था और इन्हीं को ही खुलवाना चाहिए। तो मलिक कयूम को ये हमारे साथ नथी कर रहे हैं, इनके अटॉर्नी जनरल थे। हर सिर्फ ये है कि आप ये मेरे कहने से नहीं, पूरी दुनिया को इल्म है। बात ये बीबी कि ये तो कानूनी बात है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट का काम है और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट ने ही करनी है। एनआरओ की बात जब हुई थी तो इन्होंने कहा था कि हम उसको पार्लियामेंट में नहीं लेके जाएंगे, आज सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि इस केस को पार्लियामेंट में भेज दें। भाई अगर आप उस पर इतने कॉन्फिडेंट थे, जो रूह है और माँ है इस केस की, उस केस को तो आप पार्लियामेंट में लाए नहीं, एनआरओ को तो आप दौड़ गए बिल्कुल। आपने बसरा साहब मुझे बता दें कौन से प्राइम मिनिस्टर की बात पे यकीन करें, पहले कहते थे मुशरफ वाला आर्टिकल 6 लगाएं, कोर्ट कहती है तो वो कहते हैं जी डूएबल नहीं है, अब हुक्म दिया जाता है तो अब ये कहते हैं कि अमल दरामद नहीं करूंगा क्योंकि सदर साहब की बात है, उनकी पार्टी के सदर है, उनकी पीठ में छुरा नहीं घूम सकते, तो अब आप क्या देख रहे हैं, क्या करेंगे, सिर्फ जेल जाने पर तैयार रहेंगे 6 महीने की जो सजा वो खुद बता रहे हैं। हम लोग भगौड़े सियासतदान नहीं है, हम लोग ना कोई यहाँ पे 10 दिन की जेल काट के हमें रोना आता है, ना ही चीखें आती हैं हम लोगों को, हम लोगों ने ये जेलें देखी हैं, हमें कोई जेलों से ना डराए, ना ही हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 साल पहले जेल काटी है। हम आइन के खिलाफ नहीं जाएंगे कि इसलिए कि शहीद भुट्टो ने मुतफिक आइन दिया था, आइन हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। मेरी एक गुजारिश सुन ले आसमा, हम लोगों ने इसी केस में 10 साल जरदारी साहब ने इस केस को फेस किया है, अभी 1.5 साल सब्र नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे खिलाफ केसेस समाप्त हो रहे हैं, मुझे बताइए कि चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले तो उन जजेस का नोटिस लेना चाहिए, दोनों केसेस उन लोगों ने क्यों दाखिल दफ्तर कर दिए लिखकर कि सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी हासिल है। और यहाँ पे मैं गुजारिश सिर्फ ये करता हूँ कि वो ही केसेस हैं जिनके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ की बात नहीं सदर पाकिस्तान से, हम लोगों ने
झूठे मुकदमा बनाए। लेकिन ये इन्हीं चीफ जस्टिस ने कहा, इन्हीं चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासतदानों को बदनाम नहीं करने देंगे। मैं अतर मिनल्ला साहब से पूछ लूं, अतर मिनल्ला साहब एतजाज हसन साहब को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या वो अब उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई क्योंकि वो 248 से जरा दूर भागते थे, वो इसको सामने नहीं लेके आना चाहते थे। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि वो खत नहीं लिखेंगे, क्या वो मुकम्मल भरपूर दिफा कर पाएंगे अब प्राइम मिनिस्टर का अदालत में? देखिए जी, जब से नजरसानी की भी कार्रवाई हुई और जिस तरह इनके वकला ने, हुकूमत के वकला ने वो सारी कार्रवाई चलाई और उसके बाद नजरसानी का भी 17 जजों का फैसला आ गया और एन उन्हीं के वकीलों के मुताबिक ही आया, उसके बाद इसका दिफा करना किसी भी दुनिया के चोटी के भी कोई वकील आप ले आए उसके लिए नामुमकिन है। अब आप किसी जाके गली में किसी बच्चे से भी पूछ लें कि जी अदालत के फैसले पे अमल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पर अमल होना चाहिए। दूसरा, इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि अदलिया के फैसलों का की तशरीह करना या आइन की तशरीह करना, वो आइन में मां सिवाय अदलिया के और सुप्रीम कोर्ट के और किसी का भी इख्तियार नहीं और आइन ही बाला दस्त है। तो अब जब इन चीजों में दो राय ही नहीं है तो मैं और आप अगर बहस करते रहे उस बहस से हम इस माशरे में मजीद इंतशार ही फैला सकते हैं। फ्रांस 18वीं तरमीम हुई, 19वीं हुई, 20वीं हुई, आज जो मुस्लिम लीग नून वाले चैनल पे बैठते सियासी दुकानदारी चमका रहे हैं, इनको उस वक्त तो याद था कि हमने तीसरी टर्म के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को एक्सटेंशन लेके देनी है, तो उस वक्त इनको याद था कि 18 बाजार से हम लोगों ने सूबों को दिलवानी है। इनको किसने रोका था कि ये इम्यूनिटी की बात उस वक्त चल रही थी? अभी 20वीं तरमीम हुई है, अगर इनको रिजर्वेशन है कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए तो इन लोगों ने क्यों क्यों ज़हीन कादरी साहब, लगता है कोई मुकदमा हो गया, कोई डील हो गई, लगता फिर वो आपकी जानिब इशारा करें 248 को आप चैलेंज करवा देते उस वक्त? लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है, इनको अकेले को बुलाया करें, आसमा बीबी आप इनके साथ किसी और को ना बुलाया करें, जवाब ले लूं इनके साथ किसी और को ना बुलाया करें, डील तो नहीं हो गई, डील तो नहीं होगी। ये जेल की बात करते हैं, ये कभी घंटे जेल नहीं गए, इनका मच्छरों की बात करते हैं, इनको चार जूते पड़े, चार जूते तो ये सीधे हो जाएंगे। बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है, ये अपनी चमड़े मारी जा रहे हैं और वो कभी रहमान मलिक आ जाता है, बात कानून की हो रही है, ये यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अगर लड़ाई की जानिब, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है, अगर एक वक्त में एक बात करें तो वो समझ आएगी। यही बात है ना, मुझे आपने जब कहा कि मेरी आपने मुझसे सवाल किया तो मैं जवाब दूंगा, इन लोगों ने अगर मैंने मुझसे सवाल किया तो मैं जवाब दूंगा, अगर इनसे सवाल करेंगे तो ये जवाब देंगे, ये बीच में चपर चपर शुरू कर देते हैं। जी कादरी साहब, कादरी साहब जवाब दे दे 248 पे, वो कह रहे हैं कि आप उड़वा के उड़वा देते हैं इसको। मैं जवाब तो दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, ये जवाब सुनना नहीं चाहिए, यही चाह रहे हैं कि मेरा जवाब कौन तक ना पहुंचे। आपने ये झूठ बोलने के, मुनाफ़त करने के, तो आप लोगों के बर्दे मारने के, रोने के और चीखने के, अभी अगर दोनों खामोश हो जाए, मैं अतर मिनल्ला साहब से ही दोबारा पूछ लूं, अतर मिनल्ला साहब दे दूंगा। देखिए जी, पहली बात यह है तो कि जाहिल आदमी है, पता नहीं क्या चल रही है। मेरी अगर मुझे बोलने दें, आर्टिकल 248 को में तरमीम करने की कतन कोई जरूरत इस केस के लिए इसलिए नहीं थी कि खत लिखना जो है, खत लिखना दो आर्टिकल 248 में आता ही नहीं है। वो एक ना फौजदारी कोई मुकदमा बनाया जा रहा है, सिर्फ स्विस हुकाम को इतना लिखा जा रहा है कि जो खत लिखा गया था मलिक मोहम्मद कयूम के पास इख्तियार नहीं था, न तो ये फौजदारी अमल है और न ये आर्टिकल 248 में आता है, लिहाजा 248 का इस पूरे मामले में कतन कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये कहना कि नहीं हमने 248 में हर सूरत उसके पीछे सहारा लेना है, मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। तो अब इसका मतलब नेक्स्ट बहस 248 पे होगी या डायरेक्ट कंटेम्प्ट लगेगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 6 महीने जेल है तो वो जेल जाने पर तैयार है, अब नेक्स्ट क्या होगा इस पे, 248 पे बहस या फिर सीधा सीधा जेल? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये सब मिलके इस मुल्क को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और तो इससे बढ़ के कोई नहीं हो सकती। इस मुल्क को 65 सालों ने चंद जर्नैलों ने, चंद जज साहिबान ने और चंद ब्यूरोक्रेटों ने तबाह किया। आज वही काम अगर वजीर आजम एक मुंतखब करेगा तो मैं समझता हूँ इससे बढ़ के अफसोस की बात नहीं हो सकती। कल को फिर कोई भी ताले आजमा आके
और आइन तोड़ेगा और मिसाल देगा कि मुंतखब वजीर आजम भी यही सब कुछ कहता रहा था सिर्फ किसी एक की जात बचाने के लिए। बिल्कुल, तो यही तारीख दोहराई, तारीख लिख रहे हैं बसरत साहब, आपके सदर साहब कहते हैं हम तारीख लिख रहे हैं, तो ये तारीख लिखी जाएगी अदलिया के फैसलों के हवाले से। हम कानून और आइन के खिलाफ नहीं करेंगे, कानून आइन के खिलाफ नहीं करेंगे। क्यों ज़ईम कादरी साहब, क्या यही तारीख जो लिख रहे हैं तो यही तारीख लिखी जाएगी कि एक प्राइम मिनिस्टर अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेगा, क्या ये फिर तारीख का तो हिस्सा बन जाएगा ना? जिस जाली शहादत के चक्कर में है वो इनको नहीं मिलेगी, कौम भी इनको रिजेक्ट करेगी और इनको सजा भी भुगतनी पड़ेगी और पूरी दुनिया में ये बात साबित हो जाएगी कि इस मुल्क में वजीर आजम तक के किस्म के लोग जो हैं वो मजाक उड़ाते हैं, ना सिर्फ अदलिया का बल्कि कानून आइन और पार्लियामेंट का और उसमें किए जाने फैसलों का, और इस मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाकायदा जो है गहनाएगा और इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान होगा। इस मुल्क में जो ताले आजमा लोग हैं उनको एडवांटेजेस मिलेंगे, जमहूरियत के खिलाफ बात करने वालों को कि बात कोई की तसी होगी और लोगों को ये बात माननी, लोग मानना शुरू कर देंगे कि इस मुल्क के सियासतदान तमाम के तमाम चोर और डाकू हैं और वो अपने अपने जाती मफाद के लिए इस मुल्क के आइन और कानून को आइन और कानून को वो निगलेक्ट करते हैं और हाँ बिल्कुल फ्लाउट कर रहे हैं इसको। बसरत साहब ने ये सवाल उठाऊंगी, आइन और कानून का आप कह रहे हैं एहतराम करेंगे लेकिन यहाँ तो लग रहा है आइन और कानून और जमहूरियत बदनाम हो रही है, झूठ बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा तंजो मजाक का वक्त है जिसके बारे में लोग नहीं पसंद करते उसको। जर्नैलों वाली जमहूरियत पसंद है आप लोगों को, वो जमहूरियत अयूब खान वाली, अयूब खान वाली के लिए। लेकिन मुझे एक जवाब दे देना, एक जवाब दे दे, आइन कानून और जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है या सिर्फ उसका एहतराम किया जा रहा है? मॉकरी ऑफ द होल सिचुएशन, मॉकरी ऑफ द होल सिचुएशन। ठीक अतर बिन अल्लाह साहब, आखिरी बात हम करेंगे, वाइंड अप करते हैं इस चीज को। प्राइम मिनिस्टर का जवाब सबके सामने है, फिर एतजाज अहसन साहब ने दिफा करना है और नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं कि मामला जैसे हमने पहले ही सवाल उठाया था फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका? देखिए जी, दिफा की तो अभी कोई बात ही नहीं रही, वजीर आजम साहब ने बड़े वाजे तौर पर कह दिया कि वो अदलिया को मानते ही नहीं, अदलिया के फैसलों को भी नहीं मानते हैं और बिल्कुल कहा उन्होंने, और वो खुद बिल्कुल कहा है, और वो खुद जो और जो और जो और जो और जो आईन ने इख्तियार अदलिया को दिया है वो इख्तियार वो अपने जिम्मे लेके और फैसले और तशरी अगर वो खुद करेंगे तो इस मुल्क में इंतजार होगा और इस मुल्क में जमहूरियत को नुकसान होगा, जमहूरी इदारों को नुकसान होगा और इससे ज्यादा इस मुल्क के नुकसान के और कुछ नहीं होगा, मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। मुझे ज़ईम कादरी साहब एक खबर की अगर वजाहत दे दे, मैं बसरत साहब हम लोग हमेशा पाकिस्तान के आइन की हिफाजत करेंगे, तो चले आइन की हिफाजत हो तो फिर इसका मतलब है फिर अनार्की की तरफ जाए ना। बसरत साहब एक खबर की वजाहत कर दे, एक दो दिन पहले खबर छपी थी कि अंदर खान पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की कोई डील हो रही है कि बजट के बाद इस्तीफे आएंगे आप लोगों के, देन असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी और अक्टूबर में इलेक्शन कराए जाएंगे, कुछ इसकी कंफर्मेशन करते हैं, इस खबर में कितनी सदाकत है, आप क्या कह रहे हैं? देखें बात ये है, ये ज़ईम कादरी साहब से सवाल किया था, ये ज़ईम कादरी साहब से, बस साहब जरा उनको जवाब देने दे फिर आपसे मैं जवाब दे जी। ज़ईम कादरी साहब देखिए जी, हम समझते हैं कि इस तरह की नाकबत अंगेश करप्ट इनकॉम्पिटेंट और डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म की गुफ्तगु या डायलॉग अब इस कौम का नहीं हो सकता। वी हैव टू टेक देम टू टास्क। इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की मौकरी हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया जा रहा है, पार्लियामेंट की करारदादों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है और अगर पीएमएलएन ये गलती करेगी तो इस कौम, ये कौम उसका भी हिसाब इनको लेना चाहिए और हमें भी हमारे गले में भी वही रस्सा डलना चाहिए जो इनके गले में डलेगा, क्योंकि ये हमारी खुशकिस्मती है, ये बेचारे तो इस काबिल भी नहीं है, हम इन जेब कतरों के साथ किसी किस्म की गुफ्तगु नहीं करेंगे, हमारे अजमाए हुए हैं ये सब लोग, एक लग जाएगा पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बात हो रही है सुई सुकाम को खत लिखने के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो खत नहीं लिखेंगे अपने सदर के खिलाफ, कैसे वो खत लिख सकते हैं, लेकिन अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आता है, मामला फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।